हरियाणवी डांसर सपना चौधरी मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम करने आई हुई थी, जिनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दरअसल सपना चौधरी सतना जिले के रामपुर बाघेलान में लाइव कंसल्ट करने आई हुई थी। इसके बाद पेट दर्द होने पर उन्हें रविवार तड़के 3 बजे रीवा के संजय गांधी स्मृति अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया। डॉक्टर धीरज कैन ने उनका ट्रीटमेंट किया और 10 मिनट बाद ही आराम मिलने पर वापस होटल भेज दिया। बताया गया कि रामपुर बाघेलान कस्बे में व्यापारी सुखनंदन प्रसाद सराफ ने ये प्रोग्राम कराया था। सपना का लाइव कंसर्ट हनुमानगंज मैदान में हुआ था, जो 8 बजे से 12 बजे तक चला। धन्यवाद। और मैं कुछ नहीं कहूंगी ज्यादा शब्दों के साथ, मेरे को लगता है आप भी परेशान हो जाएंगे और मैं भी। बस एक बार जरूर कहूंगी कि कोई आपके प्यार का हकदार नहीं है, तो अपने अपने लिए तालियां बजा दीजिए, किसी के लिए ताली बजाने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद बुलाने के लिए, धन्यवाद। और स्टेज पे जितने भी लोग हैं, हमारी सिक्योरिटी, हमारा पुलिस। सपना चौधरी रीवा के एक होटल में रुकी हुई थी। रात करीब 2:30 बजे उन्हें पेट में अचानक दर्द होने लगा, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया। वहां दवा लेते ही उन्हें आराम मिल गया था, इसके बाद वो वहां से रवाना हो गई। कल रात में 2:45 पर करीब सपना पत्नी यशवीर 26 सालों की निवासी रजपुर दिल्ली को हमारे यहाँ लाया गया था। पेट में दर्द की शिकायत की थी उन्होंने। मौजूद जो ड्यूटी पर चिकित्सक थे, उन्होंने उन्हें देखा, उनका उपचार किया, उन्हें कुछ प्राथमिक उपचार के रूप में इंजेक्शन वगैरह लगाए गए थे और उन्हें करीब आधे घंटे में आराम हो गया था। उसके बाद फिर कुछ नहीं, उन्हें कुछ जांचों की भी सलाह दी गई थी, पर उन्होंने कहा वो घर जाके करेंगे।